किसानों के चेहरे पर खुशी वापस लौट आई है। वजह है बारिश। एक ओर जहां देश भर में बारिश ने तबाही मचा रखी थी, केदारनाथ से लेकर केरल तक हाहाकार मचा था, तो वहीं सूरजपुर जिले में किसान बारिश की आस में बैठे थे, इंतजार कर रहे थे कि बारिश हो तो वो खेती करेंगे। बहुत दिनों के बाद बारिश हुई है और आप लोग खेती के कार्य में जुड़े हैं, ये खेती से क्या क्या आपको लाभ है और किस प्रकार आप लोग खेती कार्य को निभाते रहते हैं? ये खेती हम लोग का मुख्य जीविका है, जिसे करते हैं। बरसात का है, थोड़ा सा लेट में हुआ है, इसलिए काम थोड़ा सा लेट में चल रहा है, लेकिन अभी खुशी की बात यह है कि कम से कम वर्षा हुई है, ये पानी गिरा है बढ़िया, अभी मौसम पानी उनी गिरा है, अभी बढ़िया खेती वेती कर रहे हैं, इसमें पूरा परिवार हमारा चलता है और इसी से हमारा जीविकोपार्जन चल रहा है। जिले में लगातार तीन चार दिनों से रुक रुक कर हो रही झमाझम बारिश से किसानों के चेहरे पर रौनक लौट आई है। बारिश ने धान की नर्सरी की रोपाई करने के लिए परेशान किसानों को काफी राहत दी है, साथ ही साथ धान की रोपाई में तेजी भी आ गई है। वहीं किसान अब अपनी खेती में जोर शोर से जुट गए हैं। रोपा लगाने में बहुत अच्छा लग रहा है, पानी बहुत मुश्किल से गिर पाया है यहाँ पर, बहुत अच्छा लग रहा है पानी गिरने में, और रोपा लगाने में बहुत सुकून मिल रहा है यहाँ पर हमारे छत्तीसगढ़ में। झमाझम बारिश के बाद कई दिनों की तपिश और उमस भरी गर्मी से सभी लोगों को खासा राहत मिली है। वहीं किसानों को इस बात का भी भरोसा है कि आने वाले साल में उनको भूखा नहीं मरना पड़ेगा। बहरहाल आपने देखा कि कैसे ग्रामीण अपने खेती कार्य में व्यस्त हैं, और वहीं जो बारिश की आस लगाए थे, अब बारिश के बाद अपने खेती रोपा बीड़ा धान रोपाई के कार्य में जुटे हुए हैं, और इनकी यही साल भर की मेहनत है और यही मेहनत इनकी आजीविका का प्रमुख साधन है। सूरज साहू, विस्तार न्यूज़, सूरत।